गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि नवोदय विद्यालय समिति ने जो आपका एनवीएस का पेपर हुआ था, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर हुआ था, वो 8 मार्च 2022 को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का नवोदय का पेपर हुआ था। या फिर जिन्होंने भी एनवीएस के एग्ज़ाम दिए हैं, आईटीआई हो या फिटर हो या फिर किसी 10th पास से दिए हों, तो उन सभी के लिए कि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जो एनवीएस ने, जो नवोदय विद्यालय समिति है, उसने अपनी आंसर की जो है वो जारी कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपनी आंसर की को जारी कर दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं, और ऑब्जेक्शन लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। चलिए, तो हम आपको सबसे पहले इस ऑफिशियली लिंक के ऊपर ले चलते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कैंडिडेट लॉगिन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन करना है, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चर जो आपको दिया गया है ये यहाँ फिल करना है, और यहाँ लॉगिन बटन के ऊपर आपको प्रेस करना है। चलिए, तो फ्रेंड्स मैं भी यहाँ पर जल्दी से लॉगिन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग अपना जो एनवीएस का नवोदय लॉगिन पोर्टल उसको लॉगिन करोगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, ऐप सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिखाई देगा ये एप्लीकेशन डिटेल दिखाई देगा, उसके बाद में हेल्प डिस्क, उसके बाद में एडमिट कार्ड, और यहाँ पर आपको जस्ट इसके नीचे दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जैसे ही आप ऑल को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑब्जेक्शन लिंक भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम इसी की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट कहाँ पर स्कूल करेंगे, यहाँ पर देख लेना, आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल्स में आपकी डिटेल दिखाई देगी, और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक करोगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोग, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर एनवीएस 18 से 13 मार्च। तो 18 से 13 मार्च के जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, उन सभी के आंसर की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही आप इस क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो आंसर की है वो आपके सामने इस प्रकार से खुल करके सामने आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपनी आंसर की है जो इसको देख सकते हैं, बाकायदा यहाँ से आंसर की रिलीज कर दी गई है ऑफिशियली। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑब्जेक्शन फोरम आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इस ऑब्जेक्शन फोरम के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्शन फोरम के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस है जो ऑब्जेक्शन फोरम का दिखाई देगा सेशन, और यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह, इसके जस्ट आगे आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्लस के चिन्ह को ऐड करना है। ठीक है, जैसे आप प्लस के चिन्ह को ऐड करोगे तो कुछ इस प्रकार का जो आपके सामने इंटरफेस है वो दिखाई देगा। ये बोल रहा है प्लीज़ वेट 100% के लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। आप देखिए, जो भी आपने पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था वो पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिस भी डेट में एग्ज़ाम दिया था, जिस भी शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था, वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब आपको ऑब्जेक्शन करना किस प्रकार से है वो देखिए। तो आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए क्वेश्चन आईडी आपके पास होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया उसकी आईडी आपको सेलेक्ट करनी है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस ये आपको सेलेक्ट करना है, रिमार्क आपको करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आईडी के ऊपर आपको, जैसे कि आप क्लिक करोगे क्वेश्चन आईडी के ऊपर, तो आपको कुछ इस प्रकार से आपके जो सारे क्वेश्चन की आईडी है वो यहाँ पर आपको स्क्रॉल होगी। तो आपको कोई भी आईडी एक यहाँ से, जैसे क्वेश्चन आईडी एक ये क्वेश्चन आईडी है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आईडी को आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन आईडी प्रेस करोगे तो उसके बाद में नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन की बात करेंगे, तो ये आपके सामने नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन आ गए कि गलत है उत्तर, या फिर पाठ्यक्रम से बाहर का भी प्रश्न है, या फिर सभी विकल्प गलत हैं, या एक से अधिक उत्तर सही हैं, ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आपके कोई पास कोई भी क्वेश्चन है जो पाठ्यक्रम से बाहर आपको दिया गया है, तो आप उसके ऊपर इस प्रकार से कर सकते हैं, और आपका जो रिमार्क है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन पाठ्यक्रम से बाहर दिया गया है, तो इसको डिलीट योर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड के लिए हेयर टू अपलोड पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, सपोर्ट डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको निम्मी, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ऑफिशियली जो अपडेट होती है यहाँ पर वो निम्मी से प्राप्त की जाती है आंसर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निम्मी से संबंधित डाटा अपलोड करना होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको जैसे
दो आंसर दिए गए हैं या फिर आंसर गलत दिया गया है, तो निमिस किताब से संबंधित जो डाटा है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, इस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्शन को यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। कितने भी क्वेश्चंस के ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।